लवह ननु भगवान वाल्मीकि। जब राम पूछते हैं कि आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, तो लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही यह भगवान वाल्मीकि। रामः, राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। वाल्मीकि आपके गुरु हैं, ये किस संबंध से या कैसे। लवह, लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन उपनयन की दीक्षा के कारण, कि वाल्मीकि ने हमें उपनयन की दीक्षा दी है। रामः, राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम, मैं, अत्र भवतो, यहाँ आपके, तो भवतो के साथ अगर अत्र लगा होता है तो उसका अर्थ ज़्यादातर होता है आदरणीय। तो मैं आपके आदरणीय जनकम नामतो, जनक मीन्स पिता, पिता के नाम तो, नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। मैं आपके आदरणीय पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवह, लव कहते हैं न ही जानामि अस्य नाम धेयम्। न ही, नहीं, जानामि जानता हूँ अस्य उनका नाम धेयम् नाम, तो लव बताते हैं कि उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में कश्चित् कोई, न नहीं, तस्य नाम व्यवहरति, उनका नाम नहीं लेता है, नहीं बताता है। तो इस तपोवन में उनका कोई नाम प्रयोग नहीं करता। रामः, राम कहते हैं अहो महात्म्य, अहो महात्म्य, क्या महात्म्य है। कुशः, कुश कहता है जानामि अहम् तस्य नामधेयम्, जानामि अहम् तस्य नामधेयम्, जानामि जानता हूँ, अहम् मैं, तस्य उनका नामधेयम् नाम, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः, राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए। कुशः, कुश कहता है निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोश नाम है, मतलब निरनुक्रोश मतलब निर्दयी, तो उनका नाम निर्दयी है। रामः, राम कहते हैं वयस्य, वयस्य मीन्स मित्र, मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम्। खलु, खलु मतलब निश्चय ही, अपूर्वम, अपूर्वम मतलब अनोखा, नामधेयम् नाम है, निश्चय ही अनोखा नाम है। विदूषकः, विदूषक विचिन्ते सोचकर एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भरति। विदूषकः, विदूषक विचिन्ते सोचकर एवं तावत् पृच्छामि, एवं इस तरह, तावत् तो पृच्छामि पूछता हूँ या पूछना चाहता हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं भरति, निरनुक्रोश निर्दयी इति ऐसा क कौन एवं भरति बुलाता है, तो निर्दयी ऐसा कौन बुलाता है। कुशः, कुश कहते हैं अम्बा माँ। विदूषकः किम कुपिता एवं भरति उत प्रकृतिस्था। किम कुपिता एवं भरति, क्या क्रोध में ऐसा बोलती हैं उत या प्रकृति ही, तथा या हमेशा। कुश, कुश कहते हैं यद्य आवयोह बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति।
तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति। यदा यदा मीन्स जब, कुछ कहते हैं यदा जब आवयोः आवयोः हम दोनों बाल भाव जनितम बाल स्वरूप के अनुरूप किंचित अभिनयम कुछ अभिनयम गलत पश्यति देखती हैं तदा एवं तब ऐसा अधिक्षिपति बोलती हैं या डांटती हैं निरनुक्रोशस्य पुत्रो निर्दयी के पुत्र माँ चापलम माँ मतलब मत करो चापलम चंचलता इति ऐसा तो चंचलता मत करो। तो कुछ बताते हैं जब हम दोनों बाल स्वभाव के कारण कुछ अभिनय करते हैं कुछ गलत करते हैं पश्यति देखती हैं तब ऐसा डांटती हैं निर्दयी के दोनों पुत्र या निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषकः एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति। अब विदूषक बताते हैं जब ये सुन लेते हैं तो बोलते हैं बताता है एतयोः यदि इस तरह एतयो इन दोनों को यदि पितुः निरनुक्रोश इति निर्दयी पिता है ऐसा नामधेयम नाम है एतयो जननी इन दोनों की माँ तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित की गई है निर्वासिता निकाली गई है तो अगर निर्दयी ऐसा नाम बताती हैं इनकी माँ तो इसका मतलब तेन अवमानिता उसके द्वारा अपमानित और निर्वासिता निकाली गई है एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति इसलिए इस वचन से पुत्रों को निर्भत्सयति इसलिए इस वचन के द्वारा पुत्रों को निर्भत्सयति मतलब डांटती हैं। तो विदूषक कहता है कि अगर निर्दयी ऐसा इनकी माँ कहती हैं इसका मतलब उनके द्वारा इनके पिता के द्वारा वे अपमानित की गई हैं और निकाल दी गई हैं जो इन शब्दों द्वारा अपने पुत्रों को डांटती हैं। रामः राम स्वगतम अपने मन में धिं माम एवं भूतम धिं अब राम को मन में पता चल जाता है तो वो कहते हैं धिं माम माम मतलब मुझ पर धिं धिक्कार है एवं भूतम इस प्रकार मुझ पर धिक्कार है सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्युगर्भैः रक्षरैः निर्भत्सयति। राम अपने मन में कहते हैं कि मुझे धिक्कार है सा तपस्विनी वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्व अपत्यम अपने पुत्रों को एवं इस प्रकार मन्युगर्भय अक्षरैः निर्भत्सयति मन को बुरा लगने वाले या ऐसे बुरे शब्दों द्वारा अपने बच्चों को डांटती है। तो राम कहते हैं कि मेरी वजह से वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पुत्रों को अपने बच्चों को इस तरह क्रोध के शब्दों द्वारा डांटती हैं। सवाष्पम अवलोकयति सवाष्पम अवलोकयति अवलोकयति मतलब देखते हैं सवाष्पम वाष्पम मतलब बूंद तो आंसू भरे
आँखों से देखते हैं। रामा राम कहते हैं, अति दीर्घा प्रवासः अयम् दारुणः च। अति दीर्घा प्रवासः अयम्, यह प्रवास या यह यात्रा अति दीर्घा बहुत दीर्घ है, लंबी है, दारुणः च और दुखी है, दुखद है। तो यह यात्रा बहुत लंबी और दुखद है। विदूषकम अवलोके जनांतिकम, विदूषक को देखकर जनांतिकम पास बुलाते हैं। राम विदूषक की तरफ देखते हैं और पास बुलाते हैं। कुतूहलेन अविष्टो, कुतूहलेन अविष्टो, मातरम अनयोह नाम तो वेदितुम इच्छामि। तो राम कहते हैं कुतूहलेन अविष्टो, मतलब कौतूहल हो रहा है, मातरम अनयोह नाम तो, अनयोह दोनों की मातरम माँ का, नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। तो राम कहते हैं मेरे मन में कुतूहल हो रहा है, कौतूहल हो रहा है और मैं इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः, देखो यहाँ पे संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, विशेषतः तपोवनी। न युक्तम च, यह और यह उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, इस खासकर वो कहते हैं कि यह उचित नहीं है कि स्त्री गतम अनुयोक्तम, किसी स्त्री के विषय में जानना या जानकारी लेना, वो भी विशेषतः तपोवन में, जो खासकर जो तपोवन में हो। तत् कोत्राभ्युपायः, तत् तो कह अत्र अभ्युपायः, यहाँ क्या उपाय है। राम विदूषक को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में ये कौतूहल हो रहा है, ये इच्छा हो रही है कि मैं इन दोनों की माँ का नाम जानूं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यह उचित नहीं है किसी भी स्त्री के बारे में जानना, वो भी खासकर जो तपोवन में रहती हो। तो तत् कह अत्र उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है। इसके बाद हम विदूषकः जनांतिकम् अहम् पुनः पृच्छामि, विदूषक कहता है जनांतिकम् इशारा करके, अहम् पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ या फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम सामने से, मतलब जोर से, किम नाम धेया युवयोः जननी, युवयोः जननी तुम दोनों की माँ का किम नाम धेया, क्या नाम है। लवह, लव कहता है तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कथम इव, कैसे। लवह तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासिनो तपोवनवासी देवी इति, देवी इस नामना नाम से आह्वयन्ति बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि ही वधु इति, भगवान वाल्मीकि वधु किस नाम से। रामः, राम कहते हैं अपि च इतः तावत् वयस्य, वयस्य मीन्स मित्र, हे मित्र, अपि च इतः तावत्, इधर आओ, मुहूर्त मात्रम कुछ समय के लिए। विदूषकः, विदूषक उपसृत्य पास आकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा करें, आप आज्ञा करें, आज्ञा दे। रामः, राम अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः। कुमारयोः अनयोः, अनयोः इन दोनों कुमारयोः कुमारों का, अस्माकं च और हमारा,
कुटुंब वृत्तांतः, परिवार की कहानी, सर्वथा समरूपः, हर प्रकार से एक तरह है। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इयति वेला संजाता, इतनी देर हो गई। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते, रामायण गाने का नियोगः आदेश किमर्थं, किस लिए या क्यों, न विधीयते, नहीं मिला या नहीं हुआ। उभौ, दोनों, लव और कुश, राजन, हे राजा, उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, उपाध्याय दूतः, उपाध्याय गुरु का, दूतः सेवक, अस्मान त्वरयति, हमें जल्दी करने के लिए बोल रहा है। रामः, राम कहते हैं, मया अपि सम्माननीय एव मुनिनियोगः, मया अपि, मुझे भी सम्माननीय एव मुनिनियोगः, मुनिनियोगः, मुनि का आदेश, सम्माननीय एव, सम्माननीय है। आगे पद्य है, भवन्तो गायन्तो कवि अपि पुराणो व्रतनिधिर् गिराम संदर्भो अयम् प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीम्, कथा च इयम् श्लाघ्या सरसिरुः नाभस्य नियतम् पुनाति श्रोतारं रमयति च सोयम् परिकरः। इसका अन्वय है, अन्वय के साथ मैं हिंदी अनुवाद बताती हूँ। भवन्तो गायन्तो, आप दोनों गाते हुए या गाएंगे, पुराणः व्रतनिधि कवि अपि, पौराणिक व्रतनिधि या तपस्वी कवि वाल्मीकि की, वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णः, वसु मतलब पृथ्वी पर पहली बार अवतरित, गिराम अवतरित हुई वाणी में, अयम संदर्भः, यह सरसिरुः नाभस्य च इयम्, इयम श्लाघ्या सरसिरुः नाभस्य, मतलब यह विष्णु जी की इयम श्लाघ्या, प्रशंसनीय, श्लाघ्या मीन्स प्रशंसनीय कथा, आप पृथ्वी पर विष्णु जी के संदर्भ में ये प्रशंसनीय कथा पहली बार आप दोनों गाएंगे। सह च अयम परिकरः, सह वह, अयम परिकरः यह परिवार, नियतम निश्चित रूप से, श्रोतारं पुनाति रमयति च, श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। सरल अर्थ में बताते हैं कि राम कहते हैं कि आप दोनों इस कथा को गाने वाले हो जो वाल्मीकि ने लिखा है, जो धरती पर पहली बार अवतीर्ण हुआ है, मतलब इससे पहले कोई काव्य नहीं था, जिसका संबंध विष्णु के साथ है। यह ऐसी प्रशंसनीय कथा है जो इंसान को पवित्र और आनंदित कर देती है। वयस्य, राम आगे कहते हैं, वयस्य, हे मित्र, अपूर्वो एम मानवानाम सरस्वती अवतारः, सरस्वती अवतारः, हे मित्र, अपूर्वो एम, अयम अपूर्वो, अपूर्व पहले भी आया है, यह अद्वितीय है, मानवानाम सरस्वती अवतारः, मनुष्यों में सरस्वती का अवतार, यह मनुष्यों में सरस्वती का अवतार अद्वितीय है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तद अहम, तो मैं सुहृद जन साधारणम, सुहृद अपने सगे संबंधियों को, साधारणम श्रोतुम इच्छामि, सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियन्ताम सभासदः, सन्निधियन्ताम सभासदः, और अपने सभी प्रजाओं को या सभासदों को,
प्रेष्य ताम अस्मद अंतिकम सौमित्री। सौमित्री लक्ष्मण को प्रेष्य ताम अस्मद अंतिकी मेरे पास, अंतिकम मेरे पास भेजिए, और लक्ष्मण को मेरे पास बुलाओ या मेरे पास भेजो। अहम अपि एतयोः चि आसन परिखेदम्। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम् विहरणम् कृत्वा अपनयामि। मैं भी, अहम अपि, मैं भी एतयोः इन दोनों का चिरासन परिखेदः बहुत दिनों से, चिरासन बहुत दिनों से परिखेदः जो दुख है, विहरणम् कृत्वा उसे दूर करके अपने आमि ले जाता हूँ। मैं भी इनके दोनों के जो बहुत दिनों के दुख हैं उन्हें दूर करके अपने आमि ले जाता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं।